मुझे आज तक पूरे संसार में एक प्योर असली हिंदू नजर नहीं आया जो प्योर हिंदू का मतलब है जो अपने ग्रंथ में लिखे हुए को साइंटिफिक प्रूफ कर दे। अरे हम तो चुनौती देते हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब हमारे पास ना हो। बहुत अच्छा योगा, बहुत अच्छा योगा। मैं मिश्रा जी को बहुत बहुत सम्मान देता हूं कि इन्होंने शून्य की बात की है और उसी शून्य की बात हम करने जा रहे हैं। बस इन्होंने बात की है, प्रैक्टिकल देंगे तो हो सकता है ये धर्म गुरु बहुत ऊंचे बने, कोई छोटे मोटे नहीं बनेंगे, साधारण कपड़ों में होंगे। अगर वो शून्य बात आती है तो जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, धर्म गुरु बनने के लिए कपड़े और वेशभूषा बनाने की जरूरत नहीं है सनातन में, उनकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम ज्ञान की बातें करते हैं, वो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम दाढ़ी रखें ये रखें। मैं आपसे बहुत खुश हूं और मैं आपका सभी का मुझे लगता है आपकी खोज पूरी हो गई होगी, कोई सनातनी मिला होगा अभी थोड़ा बहुत जो जानता होगा। जब हम मिलेंगे बाद, चाहे वो ईसाई हो चाहे वो मुस्लिम भाई हो कोई भी हो, तो आज हम चाहते हैं कि ये सारी जो समस्या है ज्ञान व्यापी की, इसको हम कैसे साफ करें, कैसे हम सबको इकट्ठा करके वहां बैठाएं, कैसे आप राजनीति में हैं और आप इसका विश्लेषक हैं तो आप बताएं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे हम पूरी दुनिया को एक लगे एक स्थान पर बैठा सकते हैं। देखिए आचार्य जी, एक जो आपने बोला कि आज तक आपको कोई प्योर हिंदू नहीं मिला जो कि प्रूफ कर सके चीजों को सनातन के बारे में, उसके सिद्धांतों के बारे में, 120 करोड़ हिंदुओं में बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं और मुझे मिले हैं सनातन धर्मावलंबी जो चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, कोई किसी से टकराया या ना टकराया वो बात डिफरेंट होती है। मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। भारत में दो तरीके के धर्म प्रचलित हैं, एक यहाँ की मिट्टी से उत्पन्न हुए हैं जितने, उनमें बहुत कुछ समानता है उनके बेस में, और जो ऐसे धर्म हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जो धर्म बाहर से आए हुए हैं और यहाँ के धर्मों के सिद्धांत में व्यवहार में बहुत बड़ा फर्क है। पहली चीज, एक कॉन्सेप्ट आपने बार बार यहाँ पे उठाया कि भाई सब एक ही चीज से बने हैं, सब एक ही भगवान खुदा अल्लाह के हैं। देखिए सनातन धर्म में एक कॉन्सेप्ट होता है कि ठीक है सारी सृष्टि तो नेबुला से ही बनी है, अगर साइंटिफिक हम बात करें तो अलग अलग प्लेनेट क्यों बने, अलग अलग ग्रह क्यों बने और केवल पृथ्वी पे ही जीवन है और कहीं जीवन नहीं है। तो हिंदू धर्म में बहुत माइक्रो लेवल पे इस चीज की व्याख्या है। जो लोग बहुत परिष्कृत हैं वो परब्रह्म को समझ सकते हैं, हर लोग नहीं उस चीज को समझ सकते हैं। जो छोटे लेवल के लिए हैं तो उनके उनके लिए डिफ्रेंशिएशन भी है। दवा वाला एग्जाम्पल आपने दिया, मैं दवा के एग्जाम्पल से ही देता हूं। पैरासिटामोल साल्ट एक ही होता है, बुखार सबको होता है, लेकिन किसी को सूट करता है किसी को नहीं करता, तो बुखार उतारने के लिए कई तरीके की दवाएं हैं। भिन्नता में भी जो एकात्मवाद होना चाहिए दोनों चीजों को लेकर के यहाँ सनातन धर्म चलता है, ये सनातन धर्म की विशेषताएं हैं। बहुदेववाद भी इसीलिए हुआ है वहां पे कि आपको आपको अपना जीवन चलाना है, केवल चावल खाइए, केवल चावल खाने से तो होंगे नहीं। देखिए मैटेरियल जिस चीज से मनुष्य बना हुआ है या पूरी सृष्टि बनी है वो सेम है, लेकिन जब कोई एक नोबेल मेटेरियल किसी दूसरे चीज के संपर्क में आता है तो उसके गुण धर्म और व्यवहार बदल जाते हैं। जब गुण धर्म और व्यवहार बदल जाता है तो उसकी सारी चीजें बदल जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सारे बच्चे एक हैं, लेकिन मेरा बेटा मेरा ही बेटा रहेगा, अगर पड़ोसी ने उसको कपड़ा पहना दिया तो उसको वो कानूनी अधिकार नहीं मिलेंगे। तो सबके गुण धर्म, लाइकिंग डिसलाइकिंग, पूजा पद्धति अलग हो जाती है। अब रही बात आप जो पूछ रहे हैं कि ज्ञान व्यापी मंदिर और मस्जिद का मुद्दा कैसे सुलझाया जाए, हमारे जो पूर्वज होते थे, सनातन धर्म की विशेषता है कि हमेशा इसने सत्य की ही खोज की है। जो चीज सत्य है उसको एक्सेप्ट किया, जो चीज असत्य है कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो उसको सनातन समाज ने सनातन सिद्धांतों ने कभी जगह नहीं दी है। उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, रावण के अंदर हजार अच्छाइयां थी लेकिन उसको सनातन सिद्धांत ने कभी मान्यता नहीं दी, कभी रावण की पूजा नहीं होती है कुछ बुराइयों के कारण। हमारे पूर्वज इतने बुद्धिमान थे कि पहले जब भी वो कोई चीज बनाते थे, भवन वगैरह, आपने देखा होगा अयोध्या में मंदिर का निर्माण चल रहा है तो टाइम कैप्सूल जमीन के अंदर डाला गया, अगल बगल और उस जगह वो ऐसी चीजें ऐसे चिन्ह छोड़ते थे। उसके पर्पस दो होते थे, एक तो उस समय लोगों को शिक्षा दी जाए, बाद में आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक शिक्षा का केंद्र रहता था, किसने बनवाया क्यों बनवाया ये सारी चीजें होती थी। अब न्यायालय भी सत्य की खोज करेगा और सत्य की खोज बड़ी आसान है, ऑब्जर्वेशन चल रहा है। देखिए पहला स्टेप होता है कि आप ऑब्जर्वेशन करिए, सत्य क्या है असत्य क्या है, जितनी चीजें मिल रही हैं हर चीज को आप इकट्ठा करिए। अब वहां पे ऑटोमेटिकली आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो सनातन धर्म में परिकल्पित हैं या उसकी निशानियां आप बोल सकते हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप एक एग्जाम्पल देखिए, मेन जो मुद्दा चल रहा है वो है शिवलिंग का।
शिवलिंग की फोटो है, आप वहां पे जो मिली है सब लोगों ने देखी है किस तरीके से है। पूरे इस्लामिक कल्चर में सऊदी अरब से लेके जितने देश हैं और अभी तक इतिहास में अगर आपने कहीं कोई पिक्चर देखी है तो फव्वारा या वजू करने की या कोई ऐसी कलाकृति दिखाइए जहां शिवलिंग हो और शिवलिंग के चारों तरफ घेरा हो। ये ज्यामिति स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो सनातन ज्यामिति में पाया जाता है। बहुत स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे यज्ञ की वेदी त्रिकोण होती है, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। इसी तरीके से शिवलिंग को आप कहीं पे भी देखेंगे जहां शिवलिंग है। अगर आप द्वादश ज्योतिर्लिंग पे जाएंगे तो शिवलिंग के चारों तरफ एक घेरा होता ही होता है। मैं आपसे तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जो कि सनातन धर्म की तरफ इशारा करती हैं। बहुत अच्छा बताया आपने, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आज जो आध्यात्म की बात कर रहे हैं हम सभी, आध्यात्म पे बात चल रही है आज की दुनिया में, आप खुद चेक करना, मैंने तो किया ही है, मेरा जीवन ही लग चुका इसमें, कि जो आध्यात्म की तरफ बहुत ज्यादा है इस समय वो जीवन में बड़ी समस्याओं से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे जो कभी देखते ही नहीं है, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा चर्च, वो उधर देखते ही जाते ही नहीं, वो अपने मौज लेते हैं और जबकि वो शाम को आधा पौवा भी लगा लेते हैं, लेकिन इतनी परेशानी से नहीं जूझते जितनी जो बेचारा कंटिन्यू करता है उसको जूझना पड़ रहा है। और शायद आपने देखा होगा, मैंने तो अपने आप को भी देखा है और संसार में घूम करके भी देखा है। तो ऐसा आज क्यों है जब हमारा कोई भी मजहब, अच्छा एक्सप्लेनेशन है, ये तो बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है सनातन का। देखिए सनातन धर्म जो है ना, कभी भी सनातन धर्म में सबसे ज्यादा जो प्रधानता रही है वो कर्म की रही है। सनातन धर्म में आप पूजा करिए पाठ करिए उसका फल नहीं मिल सकता है। मतलब पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि फल गारंटीड है, आपको भगवान के दर्शन होंगे, लेकिन एक ऐसी गारंटीड चीज सनातन धर्म के सिद्धांत में है जिसके लिए गारंटी है कि उसका फल मिलेगा, वो है कर्म। कर्म कोई भी करे आपको फल मिलेगा। तो जो लोग कर्म में प्रवीण हैं, यानी कर्म में निरंतर लगे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा प्रधानता कर्म की है। रावण को भी कर्म का फल मिला, भगवान को भी कर्म का फल मिला, वो चोर डाकू कोई भी हो, जिसने जो कर्म किया अच्छा बुरा इस जन्म में तुरंत मिलेगा या बाद में मिलेगा। क्षमा चाहता हूं, मैं गुरुजी से जानना चाहता हूं। तो जो कर्म में प्रवीण है उनको फल मिलेगा। अगर आप मानव शरीर में है तो सबसे बड़ा धर्म है कि मानव शरीर के लिए जो नीत कर्म है आप उसको करिए, रोजी रोटी कमाइए। भगवान कभी नहीं बोलता है कि 2400 घंटे आप हमारी भक्ति करिए, कभी किसी भगवान ने ऐसा सनातन धर्म में नहीं बोला है कि सब दुनिया छोड़ के आप हमारे में लीन हो जाइए। क्षमा चाहता हूं। और इस पे कैंसर से ना तो कोई गुरु बच रहा, ना कोई हाजी बच रहा, ना कोई सिख ना कोई ईसाई, सबको होता है। तो होता क्यों है, तो ये मेरी आपसे गुजारिश है सबसे ही, कैंसर क्यों होता है, किन लोगों को होता है और किन लोगों को नहीं होता है। किसी को बिल्कुल नहीं होगा, तो मेरी तो इनसे मेरी विनती है कि ये बताएं मिश्रा जी। वैज्ञानिक विधि से हम लोगों को समझना चाहिए और भारतीय समाज में, भारतीय हालांकि मैं उसको धर्म नहीं बोलूंगा लेकिन सनातन धर्म की मैं बात करता हूं, मॉडर्न साइंस के हिसाब से अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल कैंसर होता है, जिसमें एक जो कोशिका होती है वो डिवाइड होना शुरू करती है और लगातार अनकंट्रोल्ड हो जाती है, डिवाइड होती चली जाती है। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण और व्याख्या आयुर्वेद में दिया गया है। आयुर्वेद में इसको कर्कटाबुर्द बोलते हैं और आयुर्वेद भी धर्म से अछूता नहीं था, वो एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति थी। हालांकि वेदों में आयुर्वेद का कोई जगह नहीं है, आयुर्वेद स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बना था, भावना वही थी। आयुर्वेद में क्या बोला है, महर्षि वाग्भट थे, उन्होंने ये बोला है, देखिए आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न साइंस में कॉन्सेप्ट है कि बॉडी में जब तक होम्योस्टेटिस मेंटेन है, सम अवस्था मेंटेन है, आपको बीमारी नहीं होगी। आयुर्वेद भी यही बोलता है कि कफ वात और पित्त जब तक अपनी अपनी सम अवस्था में है आपको बीमारी नहीं होगी। महर्षि वाग्भट जी ने बड़ा क्लियर बोला है कि आपके शरीर का जो माध्यम होता है वो क्षारीय होता है ना कि अम्लीय होता है। अच्छा, अब जब अगर आपका शरीर उसमें अम्लता बढ़ जाए, एसिडिटी बढ़ जाए तो कैंसर होगा। इसके लिए उन्होंने तरीके और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की है, आप क्या चीज खाइए कि आपके शरीर में अम्लता ना बढ़े, आप क्या चीज खाइए कि जो क्षारीय लक्षण है आपके शरीर का, जो पीएच आपके शरीर में भी 70% 80% पानी ही है ना, द्रव ही है ना, लिक्विड कहीं ना कहीं, ब्लड भी तो पानी ही है ना, तो उसके पीएच को आपने, तो ये तो बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है कि कैंसर किनको होता है। जो लोग विषम व्यवहार करना शुरू करेंगे, वो चाहे मानसिक रूप से हो चाहे खान पान में हो, तो उनको कैंसर होगा। जिस तरह का वो व्यवहार करेंगे उसी तरीके की उनको बीमारियां होगी, जिस तरह का गलत व्यवहार करेंगे। देखिए सिगरेट पीने वाले को माउथ कैंसर या लंग कैंसर होगा, उल्टा सीधा खाने वाले को इंटेस्टाइन में कैंसर होगा।
ये एक चीज हो गई। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो कुछ भी नहीं खाते गंदी चीज किसी भी तरह की, ना स्मोकिंग करते ना शराब पीते, लेकिन बेचारे उनको भी हो जाता है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना उसका क्या कारण है। हाँ, देखिए मॉडर्न साइंस के हिसाब से अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन जो है वो किसी भी वक्त इग्नाइट हो सकता है। मैं बोलता हूँ आप बहुत अच्छे तरीके से खान पान में है, आपकी सारी की सारी चीज बहुत अच्छी है, लेकिन जहां पे माहौल इतना पॉल्यूशन भरा हुआ है और कुछ आपके जेनेटिक्स और ये प्रारब्ध इसी को बोलते हैं। जैसे देखिए सब कुछ अच्छा है लेकिन आपको कोई एक बीमारी कैंसर जैसी हो गई, हमारे धर्मशास्त्र में उसको प्रारब्ध बोला हुआ है। एकाएक कोई चीज ऐसे एक्टिवेट होगी आपके शरीर में कि वो कैंसर या कोई और चीज वो उसमें जो है तब्दील होना शुरू हो जाएगी। तो ये तो है कि बॉडी अपने आप में बहुत सारी संभावनाएं लिए रहती हैं और आयुर्वेद में भी इस चीज का है बहुत अच्छी व्याख्या है कि और जब वो एक्टिवेट होंगी तो वो किसी न किसी तरीके से। लेकिन मेरी क्वेश्चन ये है कि आयुर्वेद को जो अच्छी तरह जानता है या डॉक्टर है उसको तो कैंसर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पहले ही मास्टर है, और जो आध्यात्म गुरु है वो भी मास्टर है, उसको भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको भी हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं, मास्टर की डिफिनीशन गलत है। अगर आप 100% मास्टर हैं तो आपको नहीं होगा। अगर आपका रक्त उसकी अम्लता और क्षारीयता आपने मेंटेन करके रखी है तो 101% नहीं होगा। आप जाइए हिमालय की गुफा में रहिए, किसी योगी को तो कैंसर नहीं हुआ, 150 साल का होकर के वो जी रहा है। जो दिल्ली में एसी में रह रहे हैं कोको कोला और वो पी रहे हैं उनको हो रहा है कैंसर। फरत अली, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेता हूं कि जो आज स्पिरिचुअलपैथी और जितनी भी पैथी चल रही हैं उनमें क्या डिफरेंस है? स्पिरिचुअल साइंस पावरफुल है या आयुर्वेदिक मेडिकल होम्योपैथिक या एक्यूपंक्चर, बहुत सारे योगा चल रहे हैं, तो कौन सा योग और योगा और आत्म साक्षात्कार, इन तीनों में क्या फर्क है? योग, योगा और आत्म साक्षात्कार, उसे रूह बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। हमारे विश्लेषक बैठे हुए हैं मिश्रा जी, एक सवाल पूछा था योग योगा और आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार देखिए जो ओरिजिनल शब्द है योग हम लोगों के यहां से जो निकला हुआ है चित्तवृत्ति निरोध है, यस सही होगा, चित्तवृत्तियों का निरोध कर देना ही, उनको रोक लेना, अपने वश में कर लेना योग होता है। जो आपने आत्म साक्षात्कार बोला उसके लिए सबसे पहली और जो सीढ़ी होती है वो योग होती है। इसमें होता क्या है कि आप विचार शून्य हो जाते हैं और मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कोई भी चीज, कोई भी विचार फिजिकल या एनर्जी के रूप में आपके माइंड में नहीं आता है। तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी होना चाहिए कि आपका मस्तिष्क या विचार से शून्य हो। अगर वो शून्य नहीं होगा तो इनफाइनाइट तक की वो यात्रा नहीं कर पाएगा, उसको नहीं देख पाएगा। योगा जो आप बोल रहे हैं ठीक है, उसको इंग्लिश में लोग योगा बोलते हैं, उनके लिए एक ये केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ जो योग का है वो देखिए शारीरिक जो कमियां हैं उनको भी दूर करता है और मन की जो बीमारियां हैं उनको भी दूर करता है, यानी भावनाओं की जो बीमारियां हैं, गलत भावनाएं हैं उनको भी वो दूर करता है। समय की शॉर्टेज है तो मैं मिश्रा जी को बहुत बहुत सम्मान देता हूं कि इन्होंने शून्य की बात की है और उसी शून्य की बात हम करने जा रहे हैं। बस इन्होंने बात की है, प्रैक्टिकल देंगे तो हो सकता है ये धर्म गुरु बहुत ऊंचे बने, कोई छोटे मोटे नहीं बनेंगे, साधारण कपड़ों में होंगे। अगर वो शून्य बात आती है तो जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है, धर्म गुरु बनने के लिए कपड़े और वेशभूषा बनाने की जरूरत नहीं है, सनातन में उनकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम ज्ञान की बातें करते हैं, वो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम दाढ़ी रखें ये रखें। मैं आपसे बहुत खुश हूं और मैं आपका सभी का सम्मान करता हूं। आपकी खोज पूरी हो गई होगी, कोई सनातनी मिला होगा अभी थोड़ा बहुत जो जानता होगा, जब हम मिलेंगे बाद